लक्ष्य था किस मनुवादी सरकार को धूल चटाना, इसके घुटने टिकवाना, लेकिन क्या उसमें हम सफल हो पाए? शायद नहीं। और उसका कारण क्या रहा कि मंच पर आप सभी ने देखा कि किस तरह की व्यवस्था बनी थी। कोई भी किसी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मैं कहूंगी कि तैयार नहीं था। और उसका सीधा जागता एक ही उदाहरण था और एक ही बात थी कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को वहां पर तलाश रहा था और अपने अस्तित्व की वहां पर उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहा था। तो आज हमें सोचना है कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या हमारे महान पुरुषों का त्याग समर्पण बलिदान इसी दिन के लिए था? क्या इसी दिन के उन्होंने त्याग समर्पण बलिदान किया कि आज हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर, छोटे छोटे संगठनों में बंटकर अपने महान पुरुषों की विचारधारा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? दुख होता है, आज हमारे पास में एक राष्ट्रीय संगठन है जिसको कि सभी आप सभी बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पर हम कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों या अन्य संगठनों में अपनी जगह बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमें सोचना होगा कि अगर परम पूज्य बाबा साहब अपने चार चार संतानों की कुर्बानी नहीं देते ना, तो आज मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ना तो आप यहाँ पर मेरी बात सुन रहे होते और ना ही मैं अपनी बात यहाँ पर रख रही होती। दुख होता है हमें, दुख होता है। और हम माननीय काशीराम जी एक बात कहा करते थे। साथियों, मुझे याद है यूट्यूब के माध्यम से और मैंने बुक में भी पढ़ा था कि साहब माननीय काशीराम जी करनाल में कैडर दे रहे थे और उस कैडर में मिशन मूवमेंट को समझा रहे थे कि किस तरह से मिशन मूवमेंट काम करता है। क्या आज हम मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं? शायद नहीं। अगर कर रहे हैं तो सिर्फ हुड़दंगबाजी के लिए, सिर्फ हुड़दंगबाजी के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है जोश में तो है लेकिन होश में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए साहब माननीय काशीराम जी समझाया करते थे कि साथियों, हमें जो त्याग रूपी मिशन की जो भट्टी है, जब तक हम उसमें तपेंगे नहीं, जब तक हम कैडर नहीं लेंगे, जब तक हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेंगे और उनकी विचारधारा को समझकर उसको मनोसात नहीं करेंगे, तब तक मैं ये नहीं मानता कि हम इस देश की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। और यही कारण है कि पिछले 70 सालों से हम इस देश की सत्ता से बाहर हैं। परम पूज्य बाबा साहब एक बात बड़े ही पुरजोर तरीके से रखा करते थे और कहा करते थे कि साथियों, सत्ता हर दर उस ताले की वो चाबी है जिससे कि हजारों रास्ते खुलते हैं, लेकिन आज हम कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। आखिर क्यों? कभी सवाल किया है या कभी अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ा है? डॉक्टर साहब जी ने बड़े अच्छे तरीके से रखा और उन्होंने बताया कि आज हम नाम के पीछे बोध लगा लेते हैं। क्या खाली बोध लगाने से हम बोध हो गए? जब तक साथियों हमारे व्यवहार में धम्म का आचरण दिखाई नहीं देगा, हमारे आचरण में, हमारे विचारों में हमारे महान पुरुषों के विचार नहीं दिखाई देंगे, उनकी पीड़ा नहीं दिखाई देगी, उनका दर्द दिखाई नहीं देगा, तब तक मैं गारंटी से कहती हूँ हम कोई भी मिशन मूवमेंट को सफल नहीं कर पाएंगे। मिशन मूवमेंट कहने के लिए मात्र एक छोटा सा शब्द है, मिशन मूवमेंट, लेकिन इसकी परिभाषा को अगर मैं शब्दों के माध्यम से बयां करूं तो शायद साथियों पर रात होकर सुबह निकल जाए और सुबह होकर फिर रात हो जाए, बहुत कम पड़ जाएगा। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने, साहब माननीय काशीराम जी ने, ज्योतिराव फूले जी ने और भी न जाने कितने महान पुरुष हमारे समाज में रहे जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया। और आज वही दिन है और वही समय है जब उनके त्याग समर्पण बलिदान के कारण साथियों हम इसकी देश की सत्ता पर बैठने के सपने देख पाते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आप 4 बार यूपी में देख चुके हो, आप देख चुके हो। साथियों, हमारे हाथ में जिस दिन सत्ता आ जाएगी, हम अपने धर्म को भी गति दे पाएंगे, हम अपने सामाजिक मूवमेंटों को भी गति दे पाएंगे, हम अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी प्राप्ति कर पाएंगे। और यही वो समाज है साथियों जो दर दर की ठोकर खाता था और राजनीतिक सत्ता के कारण। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि आप किस संगठन से जुड़े हुए, मैंने बिल्कुल निष्पक्ष लिखा है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई हूँ साथियों। और उसमें एक और था कि बहुजन समाज पार्टी का काम क्या है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का काम है समता मूलक समाज की स्थापना करना और यही आइडियोलॉजी भी है। बहुत सारे मेरे साथी हैं, हमें बीजेपी की आइडियोलॉजी पता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पता है, लेकिन जब बात आती है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय।
बहुत सारे साथी बोलते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समता मूलक समाज की स्थापना करना, और उसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं यहाँ से वादा करती हूँ, वादा ही नहीं बल्कि मैं एक आश्वासन देती हूँ आप सभी को कि जिस भी दिशा में यहाँ पर बुद्धिजीवी समाज के लोग बैठे हैं, जिस भी दिशा में काम करेंगे, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि इस देश में अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।